दोस्तों, ये हमारे लैब टेस्ट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है उनको। तो पहला क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पर 26 नंबर लिखा है, तो इसी को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अखरोट में कुल वसा प्रतिशत कितना होता है? 69.8%, 84.4% या फिर 64.4% या फिर 68.4%। तो दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 64.4% अखरोट में कुल वसा प्रतिशत होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? बाह्य फल भित्ति, अन्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य फल भित्ति। ठीक है, आम का खाया जाने वाला भाग होता है। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, न्यू कैस्टल किस फल की सफलतम किस्म होती है? बादाम की, पेंशन फल की, अखरोट की या फिर खुबानी की। ठीक है, इसे स्टार पॉइंट दे सकते हैं ICER के क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी हम CGPAT का कर रहे हैं, लेकिन आपको याद जरूर रखना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि न्यू कैस्टल किस फल की सफलतम किस्म है, तो दोस्तों ऑप्शन डी, खुबानी की एक सफलतम किस्म है न्यू कैस्टल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार को वनस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है अनार का वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। ठीक है, जंगलेगस रेजिया, अम्बिलिका ऑफिसिनेरेसिन, प्यूनिका ऑफिसिनेलेसी या फिर केरिका कैंडस। ठीक है, तो कमेंट कीजिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो अनार है इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि प्यूनिका ऑफिसिनेलेसी। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद के फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन बी। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमरूद का जो फल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि अमरूद के फल में गूदे की मात्रा होती है 300 mm, ठीक है, प्रति 100 ग्राम गूदे में, 200 mm, 100 mm या 500 mm 100 ग्राम गूदे में। तो कमेंट कीजिए दोस्तों अमरूद के फल में गूदे की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो 31 नंबर है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 300 mm प्रति 100 ग्राम गूदे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन है, मोजेक रोग किस फल का हानिकारक रोग होता है? पपीता का, नींबू का, आम का या फिर अनानास का। तो कमेंट कीजिए दोस्तों 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, मोजेक रोग किस फल का हानिकारक कीट होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पपीता। ठीक है, पपीता में मोजेक रोग एक हानिकारक रोग होता है। इसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, जामुन, आम, सिट्रस, नींबू इत्यादि फल वृक्ष पौध उत्पन्न करते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजोसिनेसिस या फिर पॉलीएम्बियोनिक या फिर उपरोक्त सभी। तो कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉलीएम्बियोनिक। ठीक है, उत्पन्न करते हैं जामुन, आम और सिट्रस। इसके बाद 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि जोनाथन किस पौधे की उन्नतशील किस्म होती है?
सेब की, अमरूद की, ग्रेप फ्रूट की या फिर कम रख की? तो कमेंट कीजिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सेब। ठीक है, जोनाथन किस पौधे की उन्नतशील किस्म है? तो सेब की किस्म है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा शहर बागो का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, बाग के नाम के शहर से या नगर से प्रसिद्ध है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर शाहजहांपुर? तो कमेंट कीजिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ठीक है, जो लखनऊ है ये बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारत के किस राज्य में केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो कमेंट कीजिए 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में केला का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है भारत में। इसके बाद 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट इत्यादि फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित होते हैं? उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध या फिर शीतोष्णकटिबंध या फिर उपरोक्त सभी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी, अखरोट ये सभी शीतोष्ण कटिबंधी फल होते हैं, फल वृक्ष होते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है हेजल नट फल का कुल कौन सा है? ठीक है, ये स्टार पॉइंट दे सकते हो आप इसको, प्रोटेसी, एबिनेसी, बीटेलेसी या फिर यूफोरबियसी? तो कमेंट कीजिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि बीटेलेसी। ठीक है, हेजल जो नट होता है ये बीटेलेसी कुल का होता है। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि मेगास्टीन, ठीक है, फल किस कुल से संबंधित होता है? सेपोटेसी, प्रोटीएसी, गुट्टा फेरी या फिर मोरिसी? तो कमेंट कीजिए 39 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सेपोटेसी। ठीक है, मेगोस्टीन सेपोटेसी कुल से संबंधित होता है। इसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में प्रति हेक्टेयर किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अमरूद, केला, आम या फिर अंगूर? तो कमेंट कीजिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी, इन ऑप्शनों में से जल्दी से कमेंट कीजिए 40 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सब जानते ही हैं, आम होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आम का होता है। इसके बाद 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा फल वृक्ष जीवन में केवल एक बार ही फल देता है? पपीता, एवोकेडो, केला या फिर पेंशन फ्रूट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि पपीता। ठीक है, इसके बाद है 42 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आम में, पपीता में, लीची में या फिर सपोटा में? तो कमेंट कीजिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि आम में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? 20%, 15%, 10% या फिर 25%? तो कमेंट कीजिए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10%। ठीक है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो 10% है। इसके बाद दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न है, आम किस देश का मूलज है? मध्य अमेरिका का, इंडो बर्मन का, अफ्रीका का या फिर भूमध्य सागरीय भाग का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडो बर्मन का आम मूलज है। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, पपीते की उत्परवर्ती बोनी किस्म कौन सी है? ठीक है, स्टार दे सकते हैं, कोयम्बटूर, पूसा डॉफ, पूसा नन्ना या फिर कोयम्बटूर 6। तो कमेंट कीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो पूसा नन्ना। ठीक है, पपीते की उत्परवर्ती बोनी किस्म कौन सी है? तो पूसा नन्ना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पनामा ग्लानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? पपीता में, अमरूद में, केला में या फिर सिट्रस फल में? तो कमेंट कीजिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केला। ठीक है, पनामा ग्लानी जो होता है ये भयानक बीमारी केला में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, थॉम्सन सीडलेस किस फल की किस्म है? नींबू, अंगूर, ग्रेपफ्रूट या फिर पुमेला? कमेंट कीजिए दोस्तों, इसे भी स्टार पॉइंट दे सकते हो, पूछा जाता है ICER के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 47 कमेंट कीजिए। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अंगूर होगा। ठीक है, थॉम्सन जो सीडलेस है ये अंगूर की एक उन्नतशील किस्म है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, कैप्रिफिकेशन प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है? फालसा, अंजीर, चीकू या फिर आड़ू? तो कमेंट कीजिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कैप्रिफिकेशन प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो अंजीर से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा यहाँ पे। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? इन ऑप्शनों में से निरंजन, अल्फांजो, अर्का सूर्या या फिर आम्रपाली? तो कमेंट कीजिए 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, निरंजन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा, जो कि आम की बेमौसमी किस्म है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा है? फल का नाम बताइए, काजू, करौंदा, अमरूद या फिर पपीता? तो कमेंट कीजिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि काजू होगा। ठीक है, जो कि विटामिन बी का एक धनी स्रोत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।